इमाम साहब ने पुलिस को इतला दिया, इनकी वजह से बच्चा मिल गया। चार दिन हुआ, हम तो रोते फिर रहे थे बच्चे के चक्कर में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बच्चा आपने मिलवा दिया। देखो हम लोग अपनी किस्मत, देखो कि शाही इमाम साहब को मिला बच्चा। हम लोग रात हाईवे पे जा रहे थे ना, तो कोई मोटरसाइकिल पे इसको बीच में डाल के लेके जा रहे थे दो आदमी। ये बच्चा था, ये बच्चा। तब हमें शक हुआ कुछ के शायद ये इनका बच्चा ना हो। इन ना कुछ ना बेहोशी थी, दवाई दुई उन्होंने दिती हुई सी, क्योंकि रात बाल कटा के ना, हाँ ये सिर देख रहा था। हमने तीन जोड़ा कर रखे थे बच्चे का, सर पे इसके, सर पे इतने इतने बाल थे, इसको सर मुंडवा दिया था इन्होंने। शक इतो है सानू, उन्होंने कहा कि असि चिंतपुरनी तो आ रहे हैं मत्था टेक के, तो असि क्या भी चिंतपुरनी तो हुशियारपुर वाले पास है, तो यह तो तुम राजपुरे हो आ रहे हो। तो फिर साढ़ा एक मुंडा है रणजीत PSO, उन्हें उस बंदे दे मोबाइल तो वाइफ नू फटाफट फोन किया भी तुहाडे किन्ने बच्चे हो, कहिंदी मेरे इको बेटी है, तो फिर वो डबल हो गया शक। हाँ वाइट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान थे निहायत ही रहम करने वाला। अज असी सरहंद इत्थे मौजूद हैं, मेरे नाल सरहंद SSP साहिबा मैडम राज रवजोत कौर जी मौजूद ने। बीती रात ना असी आ रहे सीगे इत्थों लुधियाणा वैष्णो ढाबा है सरहंद दे विच ही, ते उत्थों असी जद निकले हाईवे दे उत्ते चढ़े ते मोटरसाइकिल सवार दो बंदियां ने एक बच्चे नूं विच लकोया होया सीगा, ते मेरी वाइफ ते मदर नाल सी। तो जिधरले पास मोटरसाइकिल सवार अगे निकलिया साढ़े तो मेरी मदर ने कहा भी लगता है कि ये बच्चा जोड़ा है इन्हों का लग नहीं रहा, मतलब लकोया हो एक तरह का। तो जो वो साढ़े लैफ्ट हैंड आया तो उन्हें अपने बच्चे की लत ना लुको ली जी इधरले पास से, तो PSO है अमनदीप सिंह, तो उन्हें भी क्या कहता नहीं सर बच्चे का सिर जोड़ा डिगया हुआ। तो असी 1 किलोमीटर चलन तो बाद जी पिछे सुरक्षा गड्डी से उन्होंने कॉल करके दसिया कि एक मोटरसाइकिल बच्चा, क्योंकि बेहोशी थोड़ा जहा उच थोड़ा बेहोशी, तो उन्होंने कहा कि असी माता चिंतपुरनी जी के मंदिर तो आ रहे हैं। तो फिर वो शक हो गया क्योंकि वह तो हुशियारपुर वाले पास्यों आने, तो यह राजपुरे वाले पास्यों आ रहा है। तो इन्नी देर में साढ़ा एक PSO है रणजीत सिंह, उन्हें वो मोबाइल तो वाइफ को कॉल की, पूछा भी थोड़े किन्ने बच्चे, उन्हें कहा जी एक ही बेटी, मुकदमा जोड़ा उन्होंने दर्ज किया गया, बाकी गल तुम SSP मैडम। जी सब तो पहला तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ सवेरे आप बारे दसिया, पर साढ़े रिक्वेस्ट से शाही इमाम साहब इतने आए हैं, तो असी इन की इजाजत तो बाद ही इन्हों का जोड़ा रोल हैगा इस केस के बच्चे सारे के सामने रखना चाहते हैं, जिन्होंने आप गुड समैरिटन कहने हैं। एक यह जहा मैं समझती हूँ एक यहोजा एग्जाम्पल है जोड़ा कि सारू तो सीख लेनी चाहिए है कि इन्हों कुछ शक्की लग्या, तो इन्होंने एक बहुत ही मेरा मैं कहनी हाँ एक नेक काम का है ही है, पर एक यहोजा काम जिदे एक माँ को अपना बच्चा मिलया, तो पुलिस को इन्हों की बहुत मदद मिली, तो बच्चे के परिवार के बिहाफ से, तो फतेहगढ़ साहब पुलिस के बिहाफ से मैं शाही इमाम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, तो खास धन्यवाद इस गल का भी करती हाँ कि साड़ी रिक्वेस्ट से वो अज इतने आए तो थोड़ा सारे एड्रेस किया। असं चाहते थे कि एक बार वो परिवार को भी मिलन जिन्हों उन्हों का बच्चा जिन्हें इन्हों की मदद करके उन्होंने बच्चा वापस मिले। दोनों दोषी जी UP के ने, जरा सोनू यादव है चार नंबर संगीत इतने किराए पर रहा है, तो दूजा रिंकू है जो मन कर मुस्लिम टारगेट नहीं किए जा रहे कई दिन इस बारे मैं अज ही पता लगे। देखो कि जिहड़ी नैशनल सुरक्षा नाल जुड़ियां हुई गल्लां मैनूं हुणी नाज़िम अली जी ने भी दस्सिया कि पिछे जे NIA की कोई रेड जिहड़ी है सरहंद दे विच होई है, तो क्योंकि जिहड़ियां ऑफिशियल गल्लां ते उहदे च जिथे तक इन्होंने उन्हां दा कोऑपरेट कीता, तो मैं आम लोगों नूं भी यह सुनेहा देना चाहुंदा कि मुल्क की सुरक्षा व्यवस्था नाल जिहड़े जुड़े हुए मामले उस जद कदी भी कोई सुरक्षा एजेंसियां तुहाडे तों कोई मदद मंगदियां तो मैं समझदा देनी चाहीदी। अच्छा बच्चा और ओदी मां, हां जी हां मैं समझ गया, बच्चा तो ओदी मां नूं भेज दो बस एक मिनट लई, बच्चा ते मां नूं लियो, कितना मां साहब बहुत नेक काम, शुक्र हो गया जी, उन्हें भेज मुझे ना जी कि चल जाके मेनू सुन रखिया, तुसी आए साडे रिक्वेस्ट ते है ना, और एक तो
ਮੈਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬ रात तो इसको कोई दवाई सुंगाई हुई थी उन्होंने ये जैसे शुक्रिया इसको दवाई ववाई भी दिलवा दो कोई हाँ है तो ठीक तो है नहीं कोई बात नहीं खुश रहिए बच्चों का वैसे ध्यान रखा करो इनको अकेले ना छोड़ा करो बच्चों को आओ जी एक बाइक तो हड़ियाली का जिदा कि तुम सारे जानते हो अज असी इतने एक सरहंद पुलिस ने एक छोटा बच्चा रिकवर किया शिव कुमार नाम का तो यह बच्चा 15 तरीक तो मिसिंग सीगा तो 16 तरीक नूं इहदी FIR दर्ज हुई सी तो अज साडी रिक्वेस्ट से इतने मैनू बहुत मैं सब तो पहला तो बहुत धन्यवादी हाँ शाही इमाम साहब की कि साडी रिक्वेस्ट से ते आज इत्थे पहुँचे ने क्योंकि ये साडा बहुत दिली इच्छा सी कि जिहड़ी जिहड़े बच्चे नूं उन्होंने अपनी माँ दे नाल मिलाया वो एक बार आके जरूर देखन ते असी बहुत धन्यवादी हैं बाकी तुहानूं शाही इमाम साहब दसणगे कि मौके ते की होया पर जो इन्होंने एज अ गुड सिटीजन एक उपराला किया है जिहदे नाल पुलिस नूं बहुत मदद मिली है वो मेरा मैं समझदी हाँ कि सारिआं दे लई एक एग्जाम्पल भी एक चंगा बहुत चंगा उदाहरण है जिहतों सानूं सारिआं नूं सिखण दी लोड़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान थे नियायत रहम करने वाला बीती रात असी लुधियाना वैष्णो ढाबा इत्थे सरहंद दे विच एक ढाबा है उत्थों खाना खा के निकले तो मेरी मदर वाइफ वगैरह सारे लोग साथ सी ते साडा काफला जदों हाईवे ते चढ़िया ते मोटरसाइकिल दो सवार बंदे जिहड़े कि बहुत छोटे जिहे बच्चे नूं ना उन्होंने विच लुकोया होया सीगा ते मेरी मदर ने देख के मैनूं कहा कि लगता है कि ये बच्चा इन्हां दा नहीं है बई इहनूं लुकोया होया मतलब बच्चा गोदी च नहीं है उन्होंने विच पाया होया तो साडा PSO अमनदीप सिंह उन्हें कहा कि वाकई बच्चा बेहोश लग रहा तो असी अपनी पिछे सुरक्षा गड्डी नूं क्या मैसेज किया कि भी इदा इदा एक मोटरसाइकिल सवार है इन्हां नूं रोकिया जाए तो रोक के जब पूछया तो उन्होंने कहता कि भी असी तो श्री उतों आ रहे हैं चिंतपुरनी जी तो लेकिन वो तो हुशियारपुर वाले पास ये आ रहे राजपुरे वाले पास तो शक होया तो वो घरदियां नूं कॉल की वाइफ ने कहा मेरा तो एक ही बेटी है और मेरे कोल है तो मैं नहीं पता मेरा आदमी किहड़े बच्चे लैके जा रहा तो मैं इस गल की मैडम को बधाई भी देना चाहना कि असी अजे कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे थे क्योंकि जिस इलाके है उत्थे की पुलिस ने ही कार्रवाई करनी होंगी तो कॉल कर रहे थे इन्नी देर हाईवे के उत्ते पेट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही थी और जलंधर अपने सरहंद पुलिस की एक गड्डी यंकी नंबर 5 जी है वो चौंकी इंचार्ज भी नाल सके वो ऑलरेडी पेट्रोलिंग ते सी ते वो सानू देख के साडे कोल आए ये बच्चा और वो दो बंदे जिन्होंने इस बच्चे नू अगवा किया सी वो इन्हां दे सपुरद किया गया ते अच्छी गल ये है कि रात नू ही सरहंद पुलिस ने बच्चे दे मां बाप नू भी लभ्या
जेडे मुलजम से उन्हों का भी पूरा पता किया और बच्चा जोड़ा वो माँ को जोड़ा वो कल रात ही जोड़ा दो दिन पहला अगवा किया सपुरद कर दिता गया। इस मौके पर मैं सारे लोगों को एक बेनती जरूर करना चाहना कि आप सारे जोड़े भारत के नागरिक हाँ जो भी कितने आने जाने अगर आपको ये लगता ठीक है अगर किसी को इन्नी पावर नहीं है कि वह किसी नहीं पूछ सकता लेकिन घट्टो घट असी कंट्रोल रूम से फोन करके इतलाह जरूर दे सकते हैं या मंगन वाले भी सानू अगर कोई लगता कि कोई बच्चा बेहोश है तो इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी वैबसाइटा कुछ बनाई हैं जिस मिसिंग बच्चों की इनफॉर्मेशन जी है रोज़ डेली अपलोड की जाती और डेली वो लोग फड़े भी जाते जो बच्चों इदा करते हैं तो इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लैके समाजिक तौर पर सानू सबू अगे बढ़ना चाहिए और मैं बहुत धन्यवादी हाँ मैडम एस एस पी मैडम साड़ी रवजोत कौर जी जी सरहद एस एस पी ने कि इन्हों की मौजूदगी इतने की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और इन्होंने भी बधाई देना चाहना और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि एक जरा बच्चा जिन्हों शायद रात हो कि सरहद तो बहर वेचण लिए या कुछ करने ले जा रहे थे वो अपने माँ बाप तक पहुँच गया ये बहुत बड़ा रब का शुक्र है। धन्यवाद जी। ओके जी भैन जी दियो इजाजत फिर नमाज का भी टाइम हो रहा उत्थे जाना सरहद शरीफ असि खलीफा साहब नमाज पढ़नी थोड़े को आ जावे असि किसी दिन असि हुण उत्थे खलीफा साहब से जाना नमाज उत्थे एक दिन भी रात में मैडम ने उठाया मेरे को एक पर्चा कराना रात 11 बजे पर सिद्धू साहब मैडम की माशाल्लाह बहुत सिफत कर रहे थे कहते मेरे नाल रहे एस एन ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਓਕੇ ਜੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਖੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਨਾਜ਼ੂ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 to 1 ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 to 1 ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ कोशिश जी की गई है एक बच्चा जरा मां बुलाबात करनी चाहेंगे स्वागत है जी आदाब जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जिस तरीके एक वड्डा मैसेज देने की कोशिश की गई है एक बिछड़े हुए पुत नूं मां दे नाल मिलाया गया एक वड्डा मैसेज यह जा रहा है कि सिर्फ आपां पुलिस ते ना छड्डीए चीज नूं अपने तौर दे उत्ते भी करन दी कोशिश करी शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान थे निहायत रहम करने वाला रात जदों असीं हाईवे ते चढ़े ना जी ये दो बंदे एक बच्चे नूं लुको के ले जा रहे सी मोटरसाइकिल दे विच अच्छा तो मेरी मदर ने कहा कि लगता नहीं कि भी बच्चा इन्हां दा है तो मेरी वाइफ भी नाल सी अगे पी एस ओ अमनदीप सिंह बैठे से हरभजन सिंह तो असीं निकल गए अगे तो ये ज़हनी तौर पर मेरे दिल जे ख्याल आया कि खुदा ना खास अच्छा हो सकता है बच्चा इन्हों का हो फिर सोचा हो सकता इन्हों का ना हो फिर दिल च ख्याल आया कि अगर ये इन्हों का नहीं होया और कल नू बच्चे नाल कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उस गुनाह च आपां भी शरीक हो जावांगे क्योंकि रब ने जानू सानू इन्नी समर्थता दी है कि असी एक राहगीर की जब मदद कर सकते हैं या पूछ सकते हैं तो सानू इन्ना कितना काम एफर्ट इन्ना करना चाहिए तो जब मेरे दिल से यह ख्याल आई कि मैं क्या खुदा ना खासा करे बच्चा इन्हों का ना होया और इस बच्चे ने कल कोई मिसहैपनिंग हुई तो फिर यह मतलब है कि असी ना जानते हुए भी गुनाह च शरीक हो जावे तो असी अपनी एस्कॉर्ट गड्डी जी पिछे चलती है और जिस सुरक्षा मुलाजमान को इस पी एस ओ ने कॉल करके दसिया कि एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है तुहाडे पिछे इस वेले हो तो तुसी काइंडली उन्हें रोक के एक बार पुछगिछ करो तसली कर लो भी बच्चा उन्हों का कि नहीं है तो उस मोटरसाइकिल सवार को रोकया तो वो दो बंदे और 1.5 साल का बच्चा 1.5 साल के बच्चे एक शक यह होया कि इन्ने छोटे बच्चे आप बुक्कल च लैने कभी भी पट्टा च नहीं रखते क्योंकि बहुत छोटा तो उत्तों बच्चा बार बार गर्दन डेग रहा है भी यह मतलब भी बच्चे कुछ ना कुछ खिलाया गया या सुंघाया गया तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने पहला तो कहा भी साढ़ा ही बच्चा है
ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲਿੰਗ 'ਚ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਚੱਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੈਂਕੀ ਨੰਬਰ 5 ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਤਾਲਕਾ SSP ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ ਜੀ ਆਜੋ 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 ਮੇਰਾ ਕਰਾਸਾ ਲੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਏ